वो 27 तारीख को 12 बजे से ही पहले करने का था, और मैं 6 बजे से प्रोसेस करने को बैठा ऑनलाइन, मेरे को एरर आ गया साइट की तरफ से कि कुछ इश्यूज चालू है साइट की तरफ से, तो आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा। मैं तो एकदम मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आया अभी क्या करने का है। पर दोस्तों यहाँ पे मैं ये बताता हूँ आपको चीज़ें कि प्लीज़ आप कभी भी डिले मत करो इंश्योरेंस करने को। जो मैंने गलती की वो आप प्लीज़ मत करो। जब इंश्योरेंस का डिटेल्स वो फिल करके मेरे को पेमेंट करने का और आ जाएगा मेरे को इंश्योरेंस का कॉपी। पर ऐसा नहीं रहता है दोस्तों, लास्ट मोमेंट में कुछ भी हो सकता है, जो मेरे साथ हुआ। हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक रहो, हैप्पी रहोगे। अभी बारिश चालू हुई है और आप देख सकते हो कि फॉग है, पूरी तरह से जमा है। अभी मैंने एसी चालू किया है तो फॉग वो हट जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इंश्योरेंस रिलेटेड बात करने वाला हूँ कि जब मैं इंश्योरेंस निकाल रहा था मेरी गाड़ी का, तब भी मैंने कौन से प्रॉब्लम में फेस किए। प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं था, पर अगर वो प्रॉब्लम अगर मेरे को रिजॉल्व करके नहीं मिलता था, मेरा पूरी तरह इंश्योरेंस से लैप हो जाता था और मुझे अलग से प्रोसेस करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसके लिए मैं ये वीडियो में बना रहा हूँ। मेरा जो इंश्योरेंस था वो 27 जून को ख़त्म होने वाला था, और एक महीने से मेरे कुछ मैसेज आ रहे थे मेरे मोबाइल पे मारुति सुजुकी साइट के, तो मतलब जिस कंपनी का मेरे पास इंश्योरेंस था उस कंपनी से मेरे को मैसेज आ रहे थे, प्लस जो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट रहता था मारुति सुजुकी का, तो वहाँ से मुझे कॉल आ रहे थे। मैं ऐसा एक्चुअली हूँ कि मैं एक प्रोकास्टिनेटर हूँ। प्रोकास्टिनेटर मतलब मैं चीज़ों को टालते जाता हूँ कि बाद में करते हैं बाद में, और जब एंड मोमेंट आता तभी मैं करता हूँ। और मेरे ध्यान में एक बात चल रही थी कि इंश्योरेंस अगर निकालने का कार का, तो सिर्फ हमें पेमेंट करने का रहता है, जाने का रहता है, जो लिंक रहेगा मतलब जो भी डिटेल्स साइड में जाके फिलअप करने का है और बाद में जाके पेमेंट करने का, मेरे माइंड में यही था और नॉर्मली यही प्रोसेस रहता है, बाकी का कोई अलग प्रोसेस नहीं रहता है। जैसे 26 जून आया तो बाद में मैंने सोच लिया कि भाई अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही दिन है, तो अभी मुझे इंश्योरेंस है ये रिन्यू करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा इंश्योरेंस पूरी तरह से लैप हो जाएगा। तो जैसे भी मैंने, जो एक मैम थी वो मेरे को कंटिन्यूसली कॉल कर रही थी एक महीने से, तो उनको मैंने फ़ोन किया, उनको बोला कि अभी मेरा इंश्योरेंस कल ही ख़त्म होने वाला है, तो आप प्लीज़ अब इंश्योरेंस आप निकाल लो। तो उन्होंने भी कुछ एक प्रोसेस किया, जो साइड है मारुति सुजुकी का, उस मारुति सुजुकी के अंडर ही बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है रन होती है, तो मारुति साइड में जाके हम लोग ने मेरा जो प्रीवियस इंश्योरेंस था वो HDFC से था, तो उसी थ्रू हम लोग करने को गए। तो सारा पूरा फिलअप किया हम लोगों ने, डिटेल्स, चेसिस नंबर, गाड़ी का नंबर, सारा जो डिटेल्स रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, वो सब डाल दिया हम लोगों ने। और जैसे हम लोग ने पिन कोड जब एंटर करने को गए, जिस सिटी में मैं रहता हूँ उस सिटी का मैं पिन कोड एंटर करने को गया, तो मेरा पिन कोड वहाँ पे ले ही नहीं रहा था। मुझे एक्जैक्टली समझ में नहीं आया कि क्या करना पड़ेगा। तो जो मैडम थी उनको मैंने बोला कि देखो इंश्योरेंस है, इस पर पिन कोड तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो अभी क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी जो है वो बहुत सारे इश्यूज है इंश्योरेंस पिन कोड रिलेटेड चल रहे हैं। तो मैं बोला कि अब भी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इंश्योरेंस पे जो पिन कोड है मैं अगर मेरे सिटी का मेरा नहीं आएगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। अगर किसी कॉप्स ने पकड़ा और उसने डिटेल्स में अगर पूरे डॉक्यूमेंट मेरे चेक किए, तो उसमें एक इंश्योरेंस का भी डॉक्यूमेंट चेक होता है आपको पता है, तो उसमें पिन कोड अलग रहेगा, मेरे RC बुक में पिन कोड अलग रहेगा, तो थोड़ा बहुत इशू आ सकता है। गाड़ी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, एक्सीडेंट वगैरह हुआ, और क्लेम करते वक्त भी मेरे को इश्यूज आ सकता है। तो उनको मैंने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मेरे को मेरा जो सिटी का जो पिन कोड है वो ही मेरे को चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद मैंने भी उनको फ़ोन नहीं किया, उस मेरे को सामने से फ़ोन भी नहीं आया। जिस दिन इंश्योरेंस ख़त्म होने वाला था उस दोपहर को ही फ़ोन आया मेरे को, जो साइड है मारुति सुजुकी का वहाँ से मुझे कॉल आया। तो उन्होंने बोला कि आप कल इंश्योरेंस ट्राई कर रहे थे पर आपका हुआ नहीं, तो मैंने बोला कि हाँ मेरा हुआ नहीं, क्योंकि जो पिन कोड है ना वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था मेरे सिटी का। तो उन्होंने भी उनके यहाँ से ट्राई किया पर जो पिन कोड है मेरे सिटी का एक्सेप्ट कर ही नहीं रही थी साइड। उन्होंने मुझे क्या बोला कि काम करो आपकी नियर बाय सिटी का हम लोग पिन कोड डाल के देख लेते हैं, अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो हम लोग प्रोसेस कर देते हैं। तो उन्होंने नियर बाय सिटी का भी पिन कोड डाल दिया, तो नियर बाय सिटी का जो उन्होंने डाला, पालघर सिटी का डाला, साइट ने एक्सेप्ट किया, पर जहाँ पे मैं रहता हूँ विरार सिटी में वो कोड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। तो उनको मैंने बोला कि अभी क्या करने, क्योंकि मेरा RC बुक में भी पिन कोड है मेरे सिटी का जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे अदर डॉक्यूमेंट्स में भी सिटी का पिन कोड है, और आप पालघर का अगर डालोगे आप पिन कोड तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरे को आगे जाके फेस करना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि अभी तो ये ऑनलाइन से तो कुछ होने ही नहीं वाला, मैं सीधा गया शोरूम में, गया जिससे गाड़ी लिया था उससे मैंने बात किया, तो उसने क्या किया, उसने भी मारुति सुजुकी का जो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है वहाँ पे उसने कॉल किया, और वही सब
मतलब वही सब उन्होंने बात करने चालू के क्या ऐसा ऐसा, तो उधर से भी वही फीडबैक आया कि एक्चुअल में अभी इनका जो पिन कोड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो मेरे पास वहाँ पे दो ऑप्शन थे, एक तो मैं दूसरे कहाँ से इंश्योरेंस में ले लूँ, मतलब ये लैब करके दूसरे कहाँ से मैं इंश्योरेंस ले लूँ जिसमें मेरा जो एड्रेस वगैरह सब प्रॉपर आए, या फिर इसी से मैं कंटिन्यू करूँ। पर एक्चुअल में ऐसा था कि ये अगर मैं इसको अगर मैं लैप करूँगा, मतलब जो एट प्रेजेंट मेरे पास जो इंश्योरेंस है उसको अगर लैप करूँगा तो मेरा जो कंटिन्यूटी रहेगा वो तो रहेगा नहीं। अगर आपका इंश्योरेंस ख़त्म हो गया है तो आप सेम कंपनी से भी करोगे या फिर अदर कंपनी से करोगे तो भी जो इनका जो एक प्रोसेस रहता है, जैसे कि चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं, बाद में इंश्योरेंस का कोई बंदा आता है और फोटोज़ वगैरह सब निकाल के जाता है तो उसमें टाइम भी जाता है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है इसको कंटिन्यू करने का था। वो 27 तारीख को 12 बजे से ही पहले करने का था और मैं 6 बजे से प्रोसेस करने को बैठा ऑनलाइन, मेरे को एरर आ गया साइट की तरफ से कि कुछ इश्यूज चालू है साइट की तरफ से, तो आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा। मैं तो एकदम, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आया अभी क्या करने का है। इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है मारुति सुजुकी का, उसमें एक पर्सन है, उससे मैं कंटिन्यू बात कर रहा था। उनको मैंने बोला कि एक काम करो, देखो ऐसा था मेरे को पेमेंट करते वक्त भी इशू आ रहा है तो अभी मैं क्या करूँ, तो अकाउंट डिटेल्स है वो उन्होंने भेजे और मैंने उनको पेमेंट भेज दिया और मेरा इंश्योरेंस फाइनली हो गया। जो इंश्योरेंस भी निकला और जो पिन कोड है जहाँ पे मैं रहता हूँ उस सिटी में, उस सिटी का पिन कोड भी आ गया। तो पहली बात तो एक बहुत ही अच्छी बात हुई मेरे साथ कि जो जिस तरीके से मेरे को इंश्योरेंस चाहिए था उस तरीके से मेरे को मिला। इंश्योरेंस में एक दो चीज़ें मैंने ऐड करके लिए, जैसे कंज्यूमेबल पार्ट्स का मैंने ऑप्शन उसमें ऐड करके लिया, बाद में की प्रोटेक्टर करके ऐड करके लिया। वो मैं आपको मैं अलग वीडियो में बताऊंगा पूरी तरह से डिटेल्स में, मैंने कौन से कंपनी का लिया इंश्योरेंस, बाद में कौन से फीचर्स मैंने उसमें ऐड करे उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर दोस्तों यहाँ पे मैं ये बता दूँ आपको चीज़ें कि प्लीज़ आप कभी भी डिले मत करो इंश्योरेंस करने को। जो मैंने गलती की वो आप प्लीज़ मत करो। जब भी आपका इंश्योरेंस ख़त्म हो रहा है तो आप 15 दिन पहले रिन्यू करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस दिन आपका इंश्योरेंस ख़त्म होने वाला है उसी दिन से ही जो नया पॉलिसी आप रिन्यू करोगे तो ही वही डेट वो मेंशन होगा, तो उसका टेंशन मत ले लो। सेकंड थिंग है, जैसे मैंने सोचा था कि जब इंश्योरेंस का डिटेल्स वो फिल करके मेरे को पेमेंट करने का और आ जाएगा मेरे को इंश्योरेंस का कॉपी, पर ऐसा नहीं रहता है दोस्तों। लास्ट मोमेंट में कुछ भी हो सकता है, जो मेरे साथ हुआ। तो दोस्तों ये मेरा जस्ट एक वीडियो था आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ ये चीज़ हुआ है। और अभी भी मैंने एक्चुअली चेक नहीं किया, जो मारुति सुजुकी का साइड है उसमें मैंने चेक नहीं किया कि अभी वो इशू सॉल्व हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ इशू हुआ रहेगा इंश्योरेंस रिलेटेड तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपके साथ क्या क्या हुआ था। तो अभी दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। मिलते कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छे खासे टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों टेक केयर एवरीवन एंड बाय।